डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बस्ती विकास समिति एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में करेगी वृहद योग शिविर का आयोजन। सामूहिक योगाभ्यास के साथ बताए जाएंगे स्वस्थ जीवन के मंत्र। ईचागढ़ के गौरांग कोचा के पास पेड़ पर फंदे से लटकती 35 वर्षीय युवक की लाश बरामद। परसुड़ी वासियों को बहुत जल्द मिलेगी जर्जर सड़क की समस्या से मुक्ति। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बस्ती विकास समिति एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में वृहद योग शिविर का आयोजन करेगी। पूर्वी सिंहभूम महिला पतंजलि योग समिति के योग गुरु कराएंगे सामूहिक योगाभ्यास और बताएंगे स्वस्थ जीवन के मंत्र। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर में तैयारियां तेज हो गई है। 21 जून को होने वाले इस महाआयोजन को लेकर लौह नगरी जमशेदपुर में भी खासकर उत्साह देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बस्ती विकास समिति जमशेदपुर के तत्वधान में एग्रीको स्थित ट्रांसपोर्ट मैदान में वृहद योग शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस निमित्त बुधवार को बस्ती विकास समिति जमशेदपुर के द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम एवं तैयारियों पर विस्तार पूर्वक जानकारी साझा की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष खेमलाल चौधरी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बस्ती विकास समिति के द्वारा धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके तहत एग्रीको स्थित ट्रांसपोर्ट मैदान में सुबह 5:30 से सामूहिक योग अभ्यास किया जाएगा। इस शिविर में पूर्वी सिंहभूम महिला पतंजलि योग समिति के सहयोग से प्रशिक्षित योग गुरु लोगों को महत्वपूर्ण योग अभ्यास कराएंगे। उन्होंने कहा कि बस्ती विकास समिति का यह प्रयास है कि शहरवासियों को योग अभ्यास के लिए प्रेरित किया जाए। अध्यक्ष खेमलाल चौधरी ने बताया कि इस वर्ष का थीम महिला सशक्तिकरण के लिए योग निर्धारित किया गया है। वहीं योग शिविर में शामिल होने हेतु लोगों को विभिन्न माध्यमों से आमंत्रित किया गया है। समिति 21 जून को विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य में पतंजलि योग महिला समिति के सहयोग से एक बड़ा योग शिविर हम लोग आयोजित किए हैं। आप सबको पता है कि योगा भारतवर्ष की सबसे पुरानी पद्धति है, जिसे सभी लोग शरीर और मन को प्रसन्न रखने का, स्वस्थ रखने का काम करते हैं। ऋषि मुनियों ने इसमें काफ़ी सारे बात कही है और ये शास्त्र में भी उपलब्ध है। पिछले कई वर्षों से पतंजलि योग समिति के स्वामी रामदेव जी ने इसे जन जन तक पहुंचाने का काम किया और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको विश्व में, समूचे विश्व में प्रतिस्थापित करने का काम किया है। और इसी कड़ी में हम सब भी चाहते हैं कि जमशेदपुर की जनता भी स्वस्थ रहे, स्वस्थ मन रखे, स्वस्थ प्रसन्न मन रखे और सकारात्मक कामों की तरफ ध्यान दें। सरायकेला खरसावा जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में गौरांग कोचा के पास पलाश पेड़ पर कपड़े के फंदे से लटकती एक 35 वर्षीय युवक की लाश बरामद की गई। ईचागढ़ पुलिस द्वारा लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया गया। मृतक की पहचान नंदी साई टोला रंगाडी निवासी आनंदी हंसदा के रूप में किया गया। मिली जानकारी के अनुसार आनंदी हंसदा के माँ पिताजी भाई कोई नहीं है। वह गम्हरिया में किसी कंपनी में मजदूरी का काम करता था। बताया जा रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति असामान्य रहती थी। पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी कर पत्नी के साथ रहता था, जहां करीब 4 वर्ष की एक बेटी भी थी। दूसरी पत्नी ने ईचागढ़ पुलिस को लिखित रूप से बताया कि मंगलवार की रात को शौच के लिए निकला और घर वापस नहीं लौटा। सुबह उसकी लाश पेड़ पर लटकी हुई मिली। पत्नी के अनुसार मृतक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। प्रथम दृष्टि आत्महत्या बताई जा रही है। एसआई महंती शिंकू ने बताया कि शौच के लिए रात को आनंदी हंसदा घर से निकला था और बुधवार को सुबह को गांव से बाहर परिजनों को एक पलाश के पेड़ पर कपड़े से लटकी उसकी लाश मिली। उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही वे लोग घटनास्थल पहुंचे और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई के लिए जांच की जा रही है। वहीं परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। सुबह 6:45 में यहाँ का ग्राम प्रधान कालीराम सोरेन द्वारा फ़ोन किया गया 6:45 में कि यहाँ एक तो लाश का आत्महत्या किया है फांसी के द्वारा। तो फिर हम वहाँ का जहाँ गांव बताया आपका नदीसाई पंचायत के, वहाँ के मुखिया को फ़ोन किए। इसके बाद बड़ा बाबू को फ़ोन कर दिए, ऐसा ऐसा बात है।
तो फिर वो बोला कि हम भेजते हैं, फिर वही थाना वाला लोग को भेजा, फिर आके हम लोग यहाँ पर स्पॉट में देखे तो बस वो लाश तो टंगा हुआ था। कारण तो अभी तक हम लोग को पता नहीं है। उसका दो पत्नी है, एक तो शायद वहाँ पर है, एक तो यहीं पर है, और उसका एक वो बेटी है और फिर प्रेग्नेंट भी है। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है कि दो पत्नी के चलते उसका मानसिक थोड़ा जो भी घर का परेशानी होता है आजकल, समस्या तो बहुत है, उसी के कारण कुछ हो सकता है। बहुत जल्द जर्जर सड़क की समस्या से मिलेगी परसूली वासियों को मुक्ति। जुगसराय विधायक मंगल कालिंदी ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को एक ज्ञापन सौंपा जिसकी स्वीकृति हो गई है। गोविंदपुर बाबा तिलका मांझी चौक से गदड़ा, रहरगोड़ा, बाड़ीगोड़ा, सरजमदा, शंकरपुर, परसोडी तक लगभग 8 से 9 किलोमीटर तक सड़क काफी जर्जर है। यह कहना गलत नहीं होगा कि सड़क ही नहीं है। सड़क की जर्जर अवस्था होने से क्षेत्र के लगभग 25 पंचायत के लोग प्रभावित होते हैं। खासकर आपातकालीन स्थिति में बच्चों को विद्यालय जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे क्षेत्र के लोगों में काफी गुस्सा है। इसी को संज्ञान में लेते हुए जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को एक ज्ञापन सौंपा था एवं माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को भी ज्ञापन दिया जिसकी स्वीकृति हो गई है। बहुत ही जल्द अब परसोडी रोड का कायाकल्प होने वाला है। और टेंडर नहीं ढालने का कारण राजनीतिक भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में अगर ये रोड बन जाता है और सारे लोगों को मालूम है कि ये राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से बात करके मंगल कालिंदी जो है जुगसलाई का सेवक इस रोड को लाने का काम किया, और ये लोकसभा का पहले अगर ये सड़क बन जाता है तो कहीं ना कहीं लोकसभा में इन लोगों को बड़ा झटका लगता है। और इसी सोचे समझे राजनीतिक के कारण जो है इसमें दो दो बार टेंडर नहीं डाला। अभी मंगोतिया लिमिटेड कंस्ट्रक्शन इस पर टेंडर डाल चुका है और ये बहुत जल्द ये सड़क बनेगा, और मैं समझता हूँ कि 18/6/2024 को हमने राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी को भी लेटर लिख के दिया अपना कि इस रोड को जल्द से जल्द माने कि बनाया जाए। बहुत सारे लोग इस रोड को लेकर राजनीतिक करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये रोड के लिए किसी ने पहल नहीं किया। इस रोड के लिए पहल किया तो जुगसलाई का सेवक मंगल कालिंदी ने किया, और आज भी मैं रांची जा रहा हूँ, आज मुख्यमंत्री जी से फिर मिलूँगा और इस रोड को जल्द से जल्द काम चालू कराने का काम करेंगे, जिसमें एक गदड़ा पेट्रोल पंप के सामने एक बड़ा पुलिया है जो बच्चों को स्कूल आने जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना पड़ता, पुलिया के ऊपर से पानी चले जाती है, और एक पुलिया जो है बारीगोड़ा में डॉन में जो बहुत पुराना पुलिया है वो भी पुलिया बनेगा। बंग भाषा समिति द्वारा भारतवर्ष में और झारखंड राज्य में संपूर्ण रूप से बंग भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आज एक बैठक बुलाई गई, जिसका उद्देश्य पूरे झारखंड में बंग भाषा का प्रचार प्रसार और विकास है। जिस प्रकार सिख भाषा का प्रचार प्रसार पूरे देश में और पूरे पंजाब प्रांत में है, इसी प्रकार बंग भाषा का भी प्रचार झारखंड में हो और आज की समस्यात्मक बैठक इसलिए बुलाई गई है। बंग भाषा समिति चाहती है कि पूरे राज्य में बंग भाषा का प्रयोग बोलचाल की भाषा में हो और आम बोलचाल भाषा में भी इसका प्रयोग हो सके। आज की बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बंग भाषा के प्रचार प्रसार के विषय में बंग भाषा समिति द्वारा अवगत कराया गया। कि ये सब लोग करना आया था कि सही में क्या सर्वे का क्या रिपोर्ट है, क्या इन लोगों के पास है। इन लोग सर्वे का जो रिपोर्ट दिखा उसमें जो संकल्प पत्र आया था उसमें एक बिंदु बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा सर सर्वे में। इसमें लिखा है कि 1 से 5 तक अगर 150 स्टूडेंट होगा और उसमें क्लास 2 में 9 स्टूडेंट होगा तो एक भी शिक्षक का प्रति सीजन नहीं होगा। मतलब हर कक्षा में 10 भाषा भाषी स्टूडेंट चाहिए, मिनिमम 10
उसके बाद हो सकता है, मतलब 200 भी स्टूडेंट एक से पास तक हो जाएगा, अब 4 में 9 होगा या 8 होगा तो एक भी पद सृजन नहीं, बहुत बड़ा एक भी क्षेत्रीय भाषा का पद शिक्षक का पद सृजन नहीं होगा, ये सबसे बड़ा दिक्कत है आज के। इसीलिए हम लोग भी देखें कि यहाँ पर जो 80% बांग्ला भाषा भाषी है इस क्षेत्र में, उसके लिए सबसे बड़ा बाधा यही है। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे, संकल्प पत्र में जो बिंदु है जो हमारे शिक्षक पद को सृजन करने के लिए दिक्कत होता है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति को जाएंगे और उस बिंदु को हटाने का प्रयास करेंगे, तब ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक का प्रति सृजन होगा। क्रीड़ा भारती एवं कोशिश एक मुस्कान के माध्यम से कई वर्षों से लगातार योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी बहुत ही बड़ी संख्या में योग सिखाने वाले लोग उपस्थित होंगे, करीब करीब 1000 की संख्या में लोग उपस्थित होंगे। केबल कंपनी क्रिकेट ग्राउंड में यह कार्यक्रम सुबह 6 बजे से 7 बजे आरंभ होने का समय है। क्रीड़ा भारती निरंतर अपने देशवासियों को स्वस्थ बनाने की दिशा में काम कर रही है। क्रीड़ा भारती का यह मानना है कि अपने देशवासी अगर स्वस्थ रहेंगे तो देश की उन्नति होगी। यही मानते हुए क्रीड़ा भारती निरंतर अपने लोगों के बीच योग और कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन करती रहती है। 21 तारीख विश्व योग दिवस है, इसी उपलक्ष्य में क्रीड़ा भारती और कोशिश एक मुस्कान लाने की संस्था के माध्यम से निरंतर कई वर्षों से लगातार योग दिवस का आयोजन हम सभी लोगों ने मिलकर किया है। इस वर्ष भी बहुत ही बड़ी संख्या में योग सीखने वाले लोग उपस्थित होंगे, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि करीब करीब 1000 की संख्या में लोग उपस्थित होंगे। यह स्थान इस बार सुनिश्चित किया गया है केबल कंपनी ग्राउंड, जो क्रिकेट ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, और स्थान के 6 बजे सुबह है, 6 से 7 बजे इसका समय सुनिश्चित किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बताएं कि क्रीड़ा भारती निरंतर अपने देश के वासियों को स्वस्थ रखने की दिशा में काम कर रही है। हम लोग सिर्फ खेल खिलवाते हैं और खेल के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रखते हैं, और ये खेल क्रीड़ा भारती का ये मानना है कि अपने देशवासी अगर स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से देश भी प्रगति करेंगे, देश की प्रगति उन्नति भी होगी। यही मानते हुए क्रीड़ा भारती निरंतर अपने लोगों के बीच योग और अन्य कार्यों को लेकर बीच में रहती है। इस बार भी आपके माध्यम से मैं सभी जमशेदपुर वासियों को आग्रह करता हूं कि आप इसी योग शिविर में आप सभी लोग आएँ। 21 जून की केबल क्रिकेट ग्राउंड, समय है 6 बजे। आगामी 21 से 23 जून को CCGSI के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड और बिहार राज्य से तकरीबन 150 चिकित्सक इस अधिवेशन में शामिल होंगे। इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान आयोजकों ने दी। इन्होंने बताया कि यह 8वां अधिवेशन है। इन्होंने कहा कि हृदय और मधुमेह की बीमारी का बड़ा घातक संबंध है। देश में 32% मधुमेह की मरीजों में हृदय संबंधित बीमारी पनप जाती है, जो आगे चलकर जानलेवा साबित होती है। इस कारण से मधुमेह को नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। अधिवेशन में इस बीमारी को लेकर चर्चा होगी, साथ ही इसके बेहतर से बेहतर इलाज एवं लोगों के बीच इसकी जागरूकता कैसे लाई जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SACN News की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।